वृश्चिक राशि के जातकों, वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशिफल। इस राशिफल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इन भविष्यवाणियों की मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर कैसा रहने वाला है, और साथ ही आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों व निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से सरल उपाय भी बता रहे हैं जिन्हें आप कठिनाइयों व परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रयोग में ला सकेंगे। आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है, आपकी दशाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। दशाओं आदि के बारे में कुंडली दिखानी हो तो एक बहुत ही छोटी सी फीस जमा करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। वृश्चिक राशि वालों, पूरे वर्ष पर्यंत केतु का गोचर आपके लग्न अर्थात प्रथम भाव पर रहेगा, राहु का गोचर आपके सप्तम भाव पर रहेगा, वहीं शनि का गोचर आपके तीसरे भाव पर बना रहेगा। हालांकि इन गोचरों को देखकर यह लगता है कि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन कई बार बीमार होने का भ्रम हो सकता है, अर्थात कभी कभी स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन कभी कभी आपको इस बात का भ्रम भी हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। अतः जब भी कभी स्वास्थ्य खराब हो, आप दवा और दुआ दोनों का सहयोग ले सकते हैं। जहां तक हो सके बिना प्रेशर के काम करें। छोटी छोटी बातों में बहुत अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि स्वास्थ्य खराब हो तो एक से अधिक चिकित्सकों की परामर्श लेना जरूरी रहेगा। जननांगों से संबंधित रोग, पेट की परेशानियां, सीने या फेफड़ों से संबंधित परेशानियां कभी कभार हो सकती हैं। ऐसे में चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए, लेकिन यदि चिकित्सक किसी गंभीर बीमारी की घोषणा करता है तो भी बिना घबराए कम से कम 3 से 4 चिकित्सकों से मिलकर उसकी पुष्टि जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अनुभव में यही आया है कि राहु केतु का प्रथम भाव अर्थात लग्न या राशि पर जो प्रभाव है वह वास्तव में कई बार बीमारी न होते हुए भी बीमारी का भ्रम दे देता है, ऐसा भ्रम हो जाया करता है। इस भ्रम को कई बार चिकित्सक भी नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए एक से अधिक चिकित्सकों की सलाह जरूरी रहती है। साथ ही दवा और दुआ दोनों का सहयोग भी जरूरी रहेगा। यदि आप इन युक्तियों को अपनाते हैं और साथ में सावधानी रखते हैं तो सामान्य तौर पर किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि साल 2021 वृश्चिक राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा संबंधी मामलों के लिए यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि तीसरे भाव में स्थित बृहस्पति आपके भीतर नई नई विद्याओं को जानने की रुचि दे सकता है, लेकिन शनि की पंचम भाव पर दृष्टि और पंचमेश का वर्ष के लगभग आधे हिस्से में नीच का रहना कड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिलने का संकेतक है। अर्थात शिक्षा में अच्छे परिणाम पाने के लिए इस साल आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के मध्य तथा 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा तब आपको शिक्षा संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी इस अवधि में काफी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात तमाम ग्रहों के गोचर को ध्यान में रखते हुए हमें यह लग रहा है कि यह साल आपको संतोषप्रद परिणाम तभी देगा जब आप तुलनात्मक रूप से काफी अधिक मेहनत करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेंगे। आइए अब जानते हैं कि साल 2021 आपके कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर आया है। कार्य क्षेत्र के विषय में भी यह साल औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि आपका आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आप खुद को मेहनत के लिए तैयार भी रख सकेंगे। इन सब के बावजूद शायद सही समय पर सही निर्णय न ले पाने की वजह से अथवा स्वास्थ्य आदि की समस्याओं के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र पर शायद प्रॉपरली फोकस न कर पाए, और ऐसा होने की स्थिति में कामों में पहले से कम सफलता मिलने की उम्मीद लग रही है या कामों में थोड़ी सी अड़चनें रह सकती हैं। नौकरी पेशा को कुछ अनचाहे वर्कलोड या अनचाहे स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। यह तमाम परिणाम आपको साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक तथा 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच मिल सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ जो समय है वह सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के बीच बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। इसके साथ ही 21 नवंबर के बाद भी बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। परिणाम स्वरूप बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव डालेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा करेंगे। इस अवधि में आपको प्रमोशन इत्यादि मिलने की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आपके कामों से आपके वरिष्ठ प्रसन्न होंगे, अर्थात इस साल कार्य क्षेत्र को लेकर मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। साल का कुछ हिस्सा कामों में धीमापन दे सकता है तो कुछ हिस्सा काफी अच्छे परिणाम भी दे सकता है।
आपके कार्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर हम अलग अलग वीडियोज बनाने की सोच रहे हैं। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको वीडियोज फटाफट मिल पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों में साल 2021 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक तथा 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच एक ओर जहां आपके धन स्थान का स्वामी बृहस्पति नीच का होगा तो वहीं यह आपके लाभ भाव पर दृष्टि भी डालेगा। अर्थात एक तरफ लाभ की संभावनाएं बनेंगी तो दूसरी तरफ बचत में व्यवधान आएगा। राहु केतु का गोचर भी इस बात की पुष्टि कर रहा है क्योंकि कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा औषधियों पर भी व्यय हो सकता है। साथ ही कुछ धन कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों पर भी खर्च हो सकता है। हालांकि यह व्यय बहुत अधिक नहीं होगा क्योंकि शनि दशम दृष्टि से आपके खर्च स्थान को देख रहा है तो वह खर्च तो कराएगा लेकिन एक सीमा में। वहीं 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद के समय में बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। फलस्वरूप यह आपके व्यय भाव को देखेगा। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि व्यय भाव पर होने के कारण आर्थिक मामलों में चल रहे विवाद समाप्त होंगे और बहुत संभव है कि फैसला आपके पक्ष में होना चाहिए। कुल मिलाकर यह साल आर्थिक मामलों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं साल 2021 आपके व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक संबंधों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। साल की शुरुआत अर्थात जनवरी से लेकर मार्च के बीच तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति नीच अवस्था में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक सदस्यों से मतभेद की संभावना बन सकती है। यथासंभव संबंधों को बिगड़ने से बचाने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। बाद के समय अर्थात 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा जो सभी घरेलू समस्याओं से आपको निजात दिलाने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा। ऐसे में यदि आपने भी प्रयास किया तो घरेलू और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। हालांकि सप्तम भाव में स्थित राहु निजी संबंध और दाम्पत्य संबंधी मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। वहीं आपके पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि संतान संबंधी मामलों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी कभी कभार नीरसता देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर साल 2021 इन संबंधों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंध की बात हो या दाम्पत्य जीवन से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दे, इन सब पर हम अलग अलग वीडियोज बनाकर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें जिससे जब भी वीडियोज अपलोड हों आपको उनकी जानकारी तुरंत मिल सके। आइए अब जानते हैं कि साल 2021 में यदि कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय आपको करने चाहिए। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि अपने गांव क्षेत्र में नेत्र रोग का शिविर लगवाएं जिसमें नेत्र की औषधियों के खर्चे का कुछ हिस्सा आप भी दें। जब जब मौका लगे कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं, साथ में दक्षिणा दें और इसके बाद उनका आशीर्वाद लेते हुए उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करें। बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों और साधु संतों की सेवा करके उनका आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस राशि फल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर करेंगे। आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवती सबका कल्याण करें। जय माई। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।